वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। क्लास फाइव का आज लेक्चर है, लेक्चर नंबर थ्री है, चैप्टर नंबर थ्री है आप लोगों का। और आप लोगों का टॉपिक है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर वन है आप लोगों का, राइट सम यूजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? हमारे एयर कंडीशनर्स में यूज़ होते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर्स फ्रीज़र्स में यूज़ होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीज़र्स इफ़ एक्सीडेंटली रिलीज्ड इन एयर विल डैमेज प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के गिर्द एक लेयर है बनी हुई, उसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। वो क्या करती है? वो हमारी अर्थ को, हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है सूरज से आने वाली जितनी भी रेज हैं जो कि हमारे लिए डेंजरस हैं, उनको वो ज़मीन पे आने से रोकती है। ठीक है, ओजोन लेयर का ये काम है कि वो हमारी एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अगर एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर हवा में रिलीज़ हो जाएं तो वो क्या करेंगे? वो ओजोन लेयर को डैमेज कर देंगे, उसको तबाह कर देंगे। दिस कैन लीड टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन ह्यूमन हेल्थ। इससे क्या होगा कि इंसानी सेहत पे बहुत ज़्यादा जो है वो असरात मुरतब होंगे, बहुत सीरियस किस्म के। क्योंकि सारी बात है, हमारी ओजोन लेयर अगर जो है वो डैमेज हो जाएगी तो फिर वो हमारी जो सूरज की शुआएँ हैं वो डायरेक्ट हम तक आएंगी, तो वो हम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होंगी। देयरफॉर अल्टरनेट होता है मुतबादल, यानी कि उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज़ अगर यूज़ की जा सकती है तो हमें चाहिए कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह कोई दूसरी चीज़ यूज़ करें ताकि हम इस तबाही से, इस नुकसान से बच सकें। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द एनवायरनमेंट। हमने पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं। वो मटेरियल्स जो कि कभी भी डिकम्पोज नहीं होते, कभी भी ख़त्म नहीं होते, और वो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, उनका क्या करते हैं, दीज मटीरियल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, उनको रिसाइकल नहीं कर सकते। क्या इम्पैक्ट है इसका कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स वैसे ही रहते हैं, सेम एज पॉल्यूटेंट्स, दीज मटीरियल्स कैन नॉट बी रिसाइकल, उनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज़ मीन बाय थ्री आर स्ट्रेटजी। थ्री आर का मतलब है तीन आर यूज़ होने हैं। थ्री आर स्ट्रेटजी कौन में क्या क्या, कौन कौन से तीन आर हैं? वन आर इज़ रिड्यूस, यानी कि कम कर देना। सेकंड आर इज़ रीयूज़, यानी कि दोबारा इस्तेमाल करना। और थर्ड आर जो है वो है रीसाइकल। क्वेश्चन नंबर फोर है, डिस्क्राइब द वेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल है उनका जो हम पर असर है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। थ्री आर स्ट्रेटजी इज ईजी वे टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल के जो असर है उसको कम करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है थ्री आर स्ट्रेटजी। उसमें सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो है रिड्यूस, कम करना। वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस प्लास्टिक आइटम्स। हमें कम कर देना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ को टू प्रोड्यूस प्लास्टिक आइटम। प्लास्टिक के आइटम, प्लास्टिक की चीज़ें बनाने के लिए जो हम नेचुरल रिसोर्स यूज़ कर देते हैं उनको कम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक के बैग जो हैं उसको हमें कम यूज़ करना चाहिए। सेकेंड वाला है उसका रीयूज़, थिंग्स विच आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। वो चीज़ें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल से बनी हैं, वो वाले मटीरियल जो कि नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते, ख़त्म नहीं हो सकते, उनको हमें बार बार यूज़ करना चाहिए। रीयूज़ का मतलब है दोबारा से यूज़ करना, बार बार यूज़ करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको एक दफ़ा यूज़ करके फेंक दें। हमें चाहिए कि हम उसी को दोबारा से बार बार यूज़ करते रहें। उसके बाद है रीसाइकल, The used plastic goods, broken glasses and tin can be recycled easily. प्लास्टिक की जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, broken glasses, ग्लास जो टूट जाते हैं, शीशा जो टूट जाता है, and tin cans, जो tin के cans, like हम लोग जो tin cans पीते हैं जिसमें हम लोग जो हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, वो वाले टिन कैंस कैन बी रिसाइकल्ड ईजिली। उनको हम ईजिली रिसाइकल कर सकते हैं और इस उनको फेंकने की बजाय हमें रिसाइकल कर लेना चाहिए।
टास्क है आप लोगों का, आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो लर्न प्लस राइट करने हैं। और वो जो जो सेकेंड लेक्चर मिला था आप लोगों को उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है क्वेश्चंस में। हाँ ये हो गया है कि जो है आप लोगों के समर पैक में जो आपको की बुक दी है उसमें उनकी डेफिनेशंस जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन लेक्चर में जो है वो एक में ही उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है, लेकिन उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे आप लोगों का दिल करता है आप लोग वैसे कर लें, जैसे आप लोगों को समर वर्क में काम दिया गया है आपका दिल करता है आप वैसे कर लें, जैसे आपको लेक्चर में क्वेश्चन मिला आपका दिल करता है आप वैसे कर लें, कोई भी इशू नहीं है। चाहे आप लेक्चर वाला याद कर लें, चाहे आप समर पैक वाला याद कर लें। और उसके बाद आप लोगों ने पेज नंबर 36 और 37 की रीडिंग करनी है, ताकि जो है अगर उनमें से कोई MCQs बने तो वो आप लोगों को पता हो और आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।